अपना खैरा के पहुंच गया। मियां केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। 24 घंटों के दौरान 13 अबाद मजमू आबाद 30,053 हो गए। मजीद 38,139 टेस्ट किए गए। 961 नए मरीज सामने आए। मजबत केसेस की शरह 2.51% रही। NCOC का 10% से कम। कोरोना वाले शहरों में पाबंदियों में नरमी का फैसला। तालीमी इदारों को SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाजत। इंडोर इज्तमात में 500 अफराद तक शिरकत कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुमलिकत सऊदी अरब के यौम तासीस पर मुबारकबाद। अपने ट्वीट में लिखा कि सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है दोनों ममालिक और उनके आवाम खुशहाली के सफर पर गामजन रहे। इंटरनेट की जेर समुंदर आर्मी केबल TWA1 में पाकिस्तान के समुद्री हदूद से 400 किलोमीटर दूर खराबी पैदा हो गई। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुताबिक PTA का कहना था ट्रांस वर्ल्ड केबल के साथ इनको इंटरनेट सर्विस में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस्लामाबाद में अपोजिशन के दो बड़ों की अहम बैठक आज होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात होगी। आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के दौरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में SSG कमांडोज के कैप्टन हैदर अब्बास वतन पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों को भारी नुकसान। ऑपरेशन के दौरान बच जाने वाले दहशत गर्द पहाड़ों में फरार हो गए। शहीद कैप्टन हैदर अब्बास मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कराची में सपुर्द खाक। न्यूज़ नशियात की जबरी बंदिश 12वें रोज में दाखिल। बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात और शहरी भी न्यूज़ की जबरी बंदिश और आखिरी नंबरों पर धकेलने के खिलाफ बोल पड़े। नशियात फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। और कराची में रेंजर्स और बोर्ड बेसन पुलिस का नीलम कॉलोनी और शाह रसूल कॉलोनी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तलाश में सर्च ऑपरेशन। इलाकों की मुकम्मल नाकाबंदी। घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद के कवायद चेक किए गए। कोई गिरफ्तारी या बरामदगी नहीं हुई।